हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने प्रचार तेज कर दिया है और इसी कड़ी में सुजानपुर में रामलाल ठाकुर ने रोड शो में लोगों से वोट मांगे। इस दौरान पटलांदर से शुरू हुए रोड शो में करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ रामलाल ठाकुर सुजानपुर पहुंचे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने प्रचार तेज कर दिया है और इसी कड़ी में सुजानपुर में रामलाल ठाकुर ने रोड शो में लोगों से वोट मांगे। इस दौरान पटलांदर से शुरू हुए रोड शो में करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ रामलाल ठाकुर सुजानपुर पहुंचे। रामलाल ठाकुर के साथ सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, युवा नेता अभिषेक राणा के अलावा सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने रोड शो में हिस्सा लिया। सुजानपुर पहुंचने पर काफिले का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गद्दी बस केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर सुजानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने कहा कि सुनामी का असली अर्थ तबाही होता है और सुनामी से बीजेपी की तबाही तय है, इसलिए नड्डा का सुनामी शब्द बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही रामलाल ठाकुर ने अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि अनुराग अपने आप को साफ सुथरा मानते हैं, तो अनुराग बताएं कि हिमाचल में सोसाइटी भी चली है तो क्रिकेट की कंपनी भी चली है और दोनों के अनुराग ठाकुर अध्यक्ष हैं। यूपी और हिमाचल में दो दो कंपनियां चली हैं, इसलिए अनुराग बताएं कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। सुनामी का अगर असली अर्थ समझा जाए तो वो जो तबाही करने वाली होती है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की तबाही होगी। सुनामी शब्द अच्छा नहीं है। बड़े बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, प्लेयर भी इंटरनेशनल प्लेयर मान लिया मैं, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों निकाला खुद ही बता दो। सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी क्यों मांगी खुद ही बता दो। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में सोसाइटी भी चली है और क्रिकेट की जो है वो कंपनी भी चली है। एक की रजिस्ट्रेशन यूपी में कराई, एक की हिमाचल प्रदेश में चली है। दोनों के अनुराग ठाकुर अध्यक्ष हैं, एक जाली है एक नकली है, अपने आप बता दे कौन सी जाली है कौन सी नकली है। वहीं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है, इसलिए युवा पूरे जोश में हैं। उन्होंने कहा कि इस आक्रोश वाले तूफान में बीजेपी के तंबू उखड़ने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर सुजानपुर की जनता सीएम कैंडिडेट धूमल को सबक सिखा सकती है तो अनुराग का क्या अंजाम होगा, ये समय बताएगा। है अंजाम तो अभी होना है, अभी तो रोड की शुरुआत हुई है, लोग सड़कों पे हैं, नौजवान सड़कों पे हैं और अनुराग ठाकुर के विरुद्ध लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है, तूफान है और मुझे लग रहा है इस तूफान में भारतीय जनता पार्टी के तंबू उखड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री का रिजल्ट क्या हो सकता है तो अनुराग का बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।